क्या बोलना है जी? सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी भाई बहन खड़े हैं सभी कृपया प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा न रहे जी। सतुरमचारी सेवादार दीपन जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। जो भी भाई बहन खड़े हैं बैठ जाएं प्लीज, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी ने खड़े नहीं होना, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, भक्ति करने का तरीका जानना है, उन्होंने पंडाल में आगे वाली साइड में आकर बैठते जाना है जी। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं, जो भी बाहर हैं वो जल्दी से पंडाल में आकर बैठते जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग में सब भेद खुले हैं, कीमती स्वास किस लिए मिले हैं। सच्चा सौदा करने को यहाँ पर आया जी, यहाँ पर आया। कीमती है पूंजी मिली लाभ उठाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। देश तेरा किस लिए आया, जिस लिए आया वो काम भुलाया। पांच चोर तेरे पीछे लगे हैं जी, पीछे लगे हैं। रहना होशियार इनसे पूंजी बचाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। काल ने दो हथियार बनाए, मन भरमाए और माया भटकाए। जीव को फंसाने लिए जाल बनाया जी, जाल बनाया।
आत्मा के काम आए घड़ी सत्संग है, सत्संग जाने से चढ़े नाम रंग है, सब कर्मों से बड़ा है सत्संग, बड़ा सत्संग जी, शाश्वत नाम जी का है समझाना, सत्संग याना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी साथ संगत आश्रम से बाहर हैं, पंडाल से बाहर हैं, सभी से निवेदन है कृपया जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठते जाएं। और जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, भक्ति करने का तरीका जानना है, मेथड ऑफ मेडिटेशन सीखना है, उन सभी ने पंडाल में आपके लिए आगे की तरफ जगह रखी गई है, आप आगे की तरफ भाई भाई वाली साइड में और बहने बहने वाली साइड में आकर बैठते जाएं। बाकी जो खड़े हैं सभी से निवेदन है प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी ने भी खड़े नहीं रहना, आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजन वाजी प्यारी सत्संग जी, जो भी सत्संगत आस पास से दूर दराज से यहां पे आश्रम में चल के आई है, आप सबका सत्संग में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये महीना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, मालिक खुशियां बख्शे। सत्संग किसे कहते हैं और सत्संग में क्यों आना चाहिए? सत्संग सच का साथ। इस दुनिया में जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, उसे सत्य कहा जाता है या सच कहा जाता है। और ऐसा सच आद काल से आखिर तक एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और वो है भगवान। ईश्वर कहो, ओम कहो, अल्लाह कहो, गौड़ खुदा रब कहो, वही शक्ति एक ऐसी है जो सच थी, सच है और सच ही रहेगी। बाकी दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है, चाहे वो धरती है, चाहे वो खंड ब्रह्मांड है, चाहे ग्रह है, हर चीज में बदलाव निश्चित है सिवाय मालिक के। तो मालिक है सच, संग यहां उस मालिक से मिलने का तरीका बताया जाए। कैसे आप उसे देख सकते हैं, कैसे आप उसकी कृपा दृष्टि को पा सकते हैं, कैसा है वो जो जन्मता नहीं मरता नहीं, इसके बावजूद हम सबके अंदर वह कणकण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। इच्छा तो होती है ना कि ऐसा कौन है, कैसा है वो जो जन्म मरण में नहीं है लेकिन फिर भी हर किसी के अंदर है, हर जगह रहता है वो। तो उसके बारे में यहां चर्चा होती हो, उससे मिलने का यहां ढंग बताया जाता हो, उसे संग कहा जाता है। तो सत्संग का मतलब ईश्वर से मिलने का
यहां तरीका बताया जाए, ना धर्म छुड़ाया जाए, ना पहनावा बदला जाए, ना नोट ना बोट किसी चीज की बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा की बात हो, उस मालिक की बात हो, वही सत्संग है। क्यों आना चाहिए सत्संग में? लोग कहते हैं हमारा घर बार भी अच्छा है, बिजनेस व्यापार भी अच्छा है, बाल बच्चे सब कुछ है, सब सुख सुविधा है, हम सत्संग में क्यों आए और किस लिए आए? सही कहा आपने, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ सुख सुविधा आपके पास है, पर क्या आप जानते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है? मालिक ना करे आपको कोई पहाड़ जैसा भयानक रोग लगने वाला हो, मालिक ना करे आपके बच्चों पे कोई विपत्ति आने वाली हो, आपके बिजनेस में घाटा पड़ने वाला हो, आपका सर्वनाश होने वाला हो, मालिक ना करे ऐसा हो, पर क्या आप उसे आज रोक सकते हैं? अपने पैसे से, अपनी अकल चतुराई से, अपनी सुख सुविधा से नहीं रोक सकते। तो आने वाले उस भयानक कर्म को पहाड़ से कंकर बनाया जाता है, वो राम नाम से ही संभव है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, जो आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकता है, जो आपको इतना आत्मबल विल पावर देता है जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुख शांति से रह सकते हैं। पैसा ही सुख शांति नहीं होता, हमने दुनिया में धनाढ़ से धनाढ़ लोगों को देखा है और वो कहते हैं कि गुरुजी रात को नींद नहीं आती। दुनिया में नंबर रखने वाले धनाढ़ों उनसे मिले, वो आके मिले और एक ही बात थी, दिन को चैन और रात को नींद नहीं आती। और दूसरी तरफ एक राम का नाम लेने वाले हैं, वो जिनका आसमान बिछोना है, आसमान ओढ़ना है और धरती बिछोना है, वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं पता नहीं चलता सूरज कब निकल आया। अब आप ही बताइए दोनों में सुखी कौन है? एक के पास बहुत पैसा है, लक्ष्मण झूले की तरह उनके बिस्तर हमेशा उन्हें झूला झूलाते रहते हैं, पर नींद ना आने की वजह से उन्होंने बोला कि गुरुजी मखमल के गद्दे भी यूं लगते हैं जैसे बिच्छू डंक मार रहा। और दूसरी तरफ धरती पे लेटे हैं और बाजू सिरहाने दिया और पता ही नहीं चलता क्योंकि सारा दिन मेहनत की, सुबह पता तब चलता है जब सूरज निकल आता है। हमारे ख्याल से सुखी वो है जो मस्ती से नींद में सो जाता है, खुश रहता है, सारा दिन श्रम करता है लेकिन टेंशन नहीं है। इसी पे एक बात ख्याल में आई, एक शाहूकार था और वो बहुत धनाढ़ था, हर तरीका अपनाया था उसने, ब्याज पर ब्याज, ठगी बेईमानी, बहुत धनाढ़ हो गया। एक दिन वो मुनीम को कहने लगा, मुनीम मैं किसको दान करूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को सुख मिले? ये तो आप भी जानते हैं, कईयों के बाप दादा बुजुर्ग महा अमीर थे और आज उनके बच्चे गरीब हैं, कईयों के कुछ भी नहीं थे आज उनके बच्चे बहुत अमीर हैं। ये तो चलता रहता है, पता नहीं कौन कब गरीब और कब अमीर। तो यही बात सोच के शाहूकार कहने लगा कि मुनीम मैं किसको दान करूं और कितना दान करूं, मेरा दिल करता है मैं खाना खिलाऊं
ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। मुनीम कहने लगा, जी आपके पास तो बहुत दौलत है। कहता कितनी? कहते आने वाली 10-11 पीढ़ियां जितना मर्जी खाते रहे तो भी धन खत्म नहीं होगा। शाहू को रोने लगा, मुनीम हैरान हो गया, कहने लगा रो क्यों रहे हो? कहता 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? तो मुनीम कहने लगा, अभी जो आपने जिक्र किया था दान करना पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। तो शाहूकार कहने लगा क्या करूं मैं? तो मुनीम समझदार था, कहने लगा जी आज आप खाना खिलाओ किसी को। किसको खिलाऊं? एक रूहानी भगत संत था, फकीर था, फक्कड़, मजदूरी भी करता था और मालिक का नाम भी लेता था। कहने लगे जाओ उसका घर पास में है, आप उनको खाना खिला दो। मुनीम को साथ लेके शाहूकार गया। शाम का समय था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो मेहनत मजदूरी करके आया वो फकीर बाहर आया। कहने लगा हां जी। कहने लगे भाई ये अंजल ग्रहण करो, मैं आपके लिए लेके आया हूं। कहता सेठ जी 5 मिनट रुको आप। वो अंदर गया, अंदर से बाहर आया, कहने लगा हाथ जोड़ दिए। सेठ जी कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा जी आप किसी और को दान दे दो। कहते क्यों? कहते मेरे पास कल का भोजन है सुबह का, हमें जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दो। शाहूकार की आंखें खुल गई, मैं 12वीं पीढ़ी का सोच रहा हूं और ये कल शाम का नहीं सोच रहा। ये कह रहे हैं मेरे पास आज का और सुबह का है। मैं तो कहने का मतलब, जो अरबों खरबों पति होती है क्या वो सोने के बिस्कुट खाते हैं? कई बार खबर आती है बच्चे हमें दिखाते हैं, बेटियां कई बार दिखा देती हैं, सोने की टॉयलेट दे दीजिए अपनी बेटी को, तो क्या उसमें हीरे हागे की कब हो? है तो वही सामान, सोने में भी और 2 ईंटें रख के भी काम चल जाता था। राजस्थान में चलाते थे लोग, खड्डा खोदा 2 ईंटें रखी हो गया काम, ऊपर मिट्टी डाली खत्म। तो मतलब ये क्या है, आप जोड़ते जाते हो, खुद सुख नहीं लेते, बच्चे बाहर निकाल देते, लास्ट में जुड़ा जुड़ाया उनके हाथ में क्या मिला? सारी उम्र कोलू का बैल बन के ले तेरे की दे तेरे की, और लास्ट में बच्चे कहते हैं आपको तो अकल ही नहीं है, सारा धन पे कब्जा कर लेते हैं और आप ठनठन गोपाल घूमते रहो। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं कहते कि बच्चों के लिए बनाओ ना 100 में से 25%, 50% बच्चों के लिए रखो, 50 अपने लिए रखो, परमार्थ करो, दुनिया का भला करो, ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो और आपकी आने वाली औलाद का भी भला हो। कई कंजूस होते हैं, मक्खी चूस जिसे कहा जाता है, पैसा पैसा जोड़ते रहते हैं, एक भी रुपया ना लग जाए मेरे बेटे के, मेरी बेटी के, मेरे फलाओं के काम आएगा। तो आपने सुनी लिया उसका उदाहरण कि फक्कड़ को तो यह भी परवाह नहीं थी कि कल शाम का कहां से आएगा। तो मालिक देता है, ऐसे भी लोग होते हैं, हमने खुद देखा है, आप में से कोई ना कोई लोग ऐसे बहुत जानते होंगे जो बेचारे रोज की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसी से पेट भरते हैं, एक दिन भी मिस हो जाए तो उनको मुश्किल हो जाता है, पर कभी भी उनको कोई टेंशन कोई परेशानी इस तरह की नहीं होती जो राम के नाम से जुड़े होते हैं। हाँ, राम नाम से अगर कोई नहीं जुड़ा तो नेचुरली वो परेशान होता है, नेचुरली वो दुखी होता है। तो सत्संग में आके पता चलता है कि असली धन कौन सा है। कितना भी धन बना लो, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, गाड़ियां, बहुत ऐशो आराम के साधन, सब कुछ हो गया, हम नहीं कहते मत बनाओ, बनाओ, लेकिन किसी का खून चूस के मत बनाओ। लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी आपके पास गाड़ियां हैं, आप गाड़ियों पे आते हो। मुंबई में हमसे लोगों ने पूछा, हमने कहा पैदल आते तो 15 दिन लगते, ऊंट घोड़े पे आते तो अभी 4-5 दिन लग जाते, अब गाड़ी पे आ गए या जहाज पे आ गए तो दिक्कत क्या है? हमने या तो किसी को लूटा हो,
या किसी से ठगी मारी हो या बेईमानी की हो, खुद की मेहनत है, हाथों से कमाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, उससे अपनी कमाई से हम जो मर्जी लें, कौन है रोक सकता? आप उनसे तो कभी नहीं पूछते जो गुंडागर्दी करते हैं, कभी उनका इंटरव्यू तो नहीं छापते जो ऊपर बैठ के राज करते हैं अंडरवर्ल्ड, उनका तो नाम नहीं लेते। कहते जी उनके पास जाए कौन, जाओगे तो आओगे कैसे बाद में? चक्कर ये है, फकीरों से झट उंगली उठा देते हैं, कहां से आया, किधर से आया, क्यों आया, मेहनत करी तो क्यों करी, मांग के क्यों नहीं खाया जब आप फकीर हो? अरे किस धर्म में लिखा है फकीर को मांग के खाना चाहिए? हर धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, हार्ड वर्क करो, कर्म योगी बनो। तो फकीर कर्म योगी होते हैं, वो करके खाते हैं, तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये तो वो लोग जानते जो हमें नजदीक से जानते हैं कि हाँ कैसे हमने मेहनत कर करके गाड़ी मॉडिफाई करना, कितना कुछ करना, हर आश्रम की एक एक ईंट सरसा में पास बैठ के लगाना, दिन रात बैठे रहना, खुद अपने हाथों से भी हमने छत पे ईंटें लगाई हैं, छत चिनी है, चिनाई की है, सब कुछ किया है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? अगर आप रेडी लगाते हो तो शर्म कैसे? अगर आप मजदूरी करते हो किसी के खेत में, यार ठग्गी थोड़ी ना मारते हो, आप मेहनत करते हो 8 घंटे 10 घंटे तो जाके आपको 100-200 मिलता है, तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, बल्कि फकर होना चाहिए कि हाँ मैं करके खाता हूं, जो पवित्र वेदों में लिखा है, जो पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि हाँ मैं उनके अनुसार चलता हूं। तो बात वहीं लेके आते हैं कि आपके पास बहुत धन दौलत जमीन जायदाद है, लेकिन एक समय आता है जब सब कुछ छोड़ के चले जाना होता है, और वो समय होता है मौत का समय, जब सब कुछ छोड़ के आप लोग चले जाते हैं, आप लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो धरती पे लिटा दिया जाता है, धरती पे सुला दिया जाता है, उसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ आपको जताने के लिए कि हां भाई आपके पास कितना कुछ था, जमीन जायदाद, धन दौलत, पैसा, सब कुछ था, लेकिन जैसे इस दुनिया से आप लोग गए, सबका सब यहीं छूट जाएगा। आपके दादा परदादा, बाप, सबने बहुत कुछ बनाया होगा, जब वो इस दुनिया से जाने लगे, क्या उनके साथ एक नया पैसा गया? नहीं गया। क्या उनके साथ आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से कोई उनके साथ गया? नहीं गया। तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप जो बना रहे हैं वो आपके साथ जाएगा? इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं जाता, ये कर्म भूमि है, यहीं पे आप बनाते हैं और यहीं से छोड़ के चले जाते हैं। आप माने चाहे ना माने, लेकिन 100% सच एक और है, एक धन ऐसा है जिसे चोर चुक्का चुरा नहीं सकता, बाल बच्चे हिस्सा बटा नहीं सकते, जितना बनाओगे यहां भी काम आएगा और मरने के बाद भी साथ जाएगा, और वो धन है राम नाम का धन, मालिक की भक्ति इबादत का धन। वही धन एक ऐसा धन है जो हमेशा साथ जाता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो वो धन भी कमाओ, दुनिया में जीने के लिए आप रुपया पैसा गाड़ी बंगले बगीचे बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का खून चूस के मत बनाना, ठगी बेईमानी से नहीं, या तो दिमागी मेहनत या फिर शारीरिक मेहनत, और अच्छे कर्म करके आप कमाइए, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब दूसरे का निवाला छीन के खुद खा जाते हो, तो कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागणी जगत रही ढहकाए,
जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी चैन से जीने नहीं देती। हम आपको यह गारंटी देते हैं, पाप जुल्म की कमाई अगर आपके पास है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, अशांति फैली रहेगी, बात बात पे तुड़क मिजाजी आ जाएगी, बीमारियां घर में पैदा हो जाएंगी, शरीर रोगों से भर जाएगा, तो क्या फायदा हुआ दौलत का? क्या फायदा हुआ उस ठगी बेईमानी की कमाई का अगर चैन की नींद ही ना आई? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप मेहनत की कमाई करें। किसी सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी, अब तो मैं कर बैठा ठगी बेईमानी बुरे कर्मों से पैसा कमा बैठा, अब इससे बचने का हल भी तो बताओ। हमने कहा है, पवित्र वेदों में धर्मों में हल है। कहने के क्या? जैसे खून चूस के कमाया था उसका वही कमाई किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, गरीब के बच्चों की पढ़ाई करवा दो, अरे बेटी की किसी की शादी नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है, जाके शादी पे पैसा लगा दो, तो आओ ये हल है आपकी वो पाप जुल्म की कमाई से बचने का। और कोई हल नहीं है, क्योंकि जिसको आपने खून चूस के कमाया उसकी बद्दुआएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी, और जब किसी का भला कर दोगे उसकी दुआएं आएंगी, बद्दुआएं कट जाएंगी और आपके कर्म अच्छे बन जाएंगे, आप तरक्की करते चले जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, खुशियों से लवरेज हो जाएंगे। हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। साइंस की बात करें, साइंस में तो धर्म इतने आगे हैं कहने सुनने से परे, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में बड़ी रुचि थी, पर सबसे बड़ी रुचि तो भगवान की भक्ति में थी, लेकिन साइंस में रुचि थी, गेम्स में रुचि थी, एग्रीकल्चर में रुचि थी। तो हमने ये देखा धर्मों के अनुसार, धर्म जो बताते हैं साइंस बहुत देर बाद वहां आती है। हमारे धर्मों में बताया सैकड़ों धरतियां हैं, एक धरती नहीं बनी, सैकड़ों धरतियां हैं और सैकड़ों जगह जिंदगी है। तो साइंटिस्ट थे कई देशों के, कहने के गुरुजी झूठ बोलते हो, ये सही नहीं है। हमने कहा हमारे पवित्र वेदों में लिखा, कहते वो भी झूठ है। हमने कहा नहीं। और आज यूएसए नासा साइंस केंद्र, जो सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र कहलाता है, और भी कई जगह पे साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि हां और जगह भी जिंदगी है, हां ऐसी और भी धरतियां हैं। और पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा था, सोच के देखिए। आप सोचती हो हमारी संस्कृति कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया ने हमारी संस्कृति से ज्ञान लिया है। हमारे यहां साउंडलेस एरोप्लेन होते थे, आवाज नहीं होती थी, जहाज होते थे। अभी तक तो दुनिया से बना नहीं वैसा। 1845 या 1945 एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओपनहेमर, शायद यूएसए के, उन्होंने माना है कि मैंने जो एटम बनाया है, परमाणु बनाया है, ये महाभारत के अमोघ शास्त्र से बनाया है। और हैरानी की बात ये है, लोग हमारे वाले मानते नहीं कि महाभारत हुआ है ना कमाल, और बाहर के देशों वाले हमारी चीजों से क्या बना रहे हैं। तो जब ये बात हुई कि गुरुजी आपके ही महाभारत काल से ये एटम परमाणु चला करते थे, हमने कहा चला नहीं करते थे, हमारे वाले चला के वापस भी ले लिया करते थे। शायद आपको प्रसंग याद होगा, जब अर्जुन ने अमोघ शास्त्र छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और श्री कृष्ण जी के कहने से वापस ले लिया था, अश्वत्थामा से ऐसा नहीं हो पाया था,
पर उन्होंने वापस ले लिया था। मतलब चलाना भी आता था और रोकना भी आता था। आज सिर्फ चलाना आता है, रुकता रखता नहीं। चल गया त्वाहा स्वाहा। और हमारी साइंस कितनी आगे थी, क्यों नहीं मानते हम अपनी संस्कृति को जो इतनी रिच थी, जो इतनी साइंस में बहुत आगे थी। लोग बुरा मान जाते हैं अगर सच्ची बात कही जाए। हमने जो रिसर्च किया सभी धर्मों का, सबसे पुरातन जो पवित्र ग्रंथ मिले वो वेद, पवित्र वेद ही हैं। और जब बाद में रिसर्च करिया तो सभी चीजें वहां से मिलती हैं। अब आगे ज्यादा क्या बोले, आप खुद समझदार हैं। हजारों साल पहले बैक्टीरिया वायरस के बारे में बता दिया गया और साइंटिस्ट 1850-1890 में मान रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस होता है। है ना, हैरानीजनक बातें। अरे हमारा तो इतना रुच था साइंस में। महाभारत काल की अगर आपको बात करें, रामायण काल तो बहुत ही आगे था, महाभारत काल की बात, सभी लोग लड़ते थे, तलवार धनुष तीर लगते थे, तलवारें लगती थी, भाले लगते थे, लेकिन अगले दिन फिर से वो युद्ध कर रहे होते थे। क्या ऐसा संभव है कोई आदमी इतना जख्मी हो, तलवारें लगी हो और वो अगले दिन युद्ध लड़ रहा है? जी हां, हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये संभव था। क्यों? क्योंकि तब ऐसे ऐसे मरहम स्नेह लेप, अलग अलग नाम थे उनके, उनको लगा देते थे और सुबह तक जख्म भर जाया करते थे। और आपको शायद यकीन नहीं आए, उसी में से एक जड़ी बूटी हमने निकाली हड्डी जोड़ने के लिए। आश्रम में वो फ्री में दी जाती है, कॉलर बोन। डॉक्टर अगर यहां सज्जन कोई बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये हड्डी अगर टूट जाए तो जल्दी से जुड़ती नहीं, क्योंकि सारे मोमेंट इसी पे आते हैं। एक आदमी की ये टूटी, वो 7 दिन में जुड़ गई। जब एक्सरे किया तो हड्डी जुड़ी हुई थी। और वो जड़ी बूटी महाभारत काल की है। अब भी आश्रम में बहुत लोग आते हैं, अगर दर्द हो गया, यानी दो हड्डियों के बीच में चर्बी नहीं है, मांस नहीं है, तो हड्डी जुड़ते देर नहीं लगती। अगर चर्बी और मांस आ गया फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर अब 7 दिन में भर सकता है तो तब तो फिर शाम को रातों रात क्यों नहीं भरता होगा। इतनी साइंस थी हमारे यहां, पूरी दुनिया ने सीखा, चाहे वो दशमलव कह लो, जीरो कह लो, कुछ भी कह लो, पूरी दुनिया सीखी है भारत से। और भारत सीखने जा रहा है विदेशों में। किसी का बेटा बाहर चला जाए, उसके बाप के ये बटन तो वैसे ही खुले हो जाते हैं। मेरा बेटा वहां गया है, अगली बात पूछ लो करता क्या है। बहुत तो कम को पता होता है, हमें पता है, हमने देखा बहुत ज्यादा लोगों को, या तो टैक्सी चला रहा होगा, या कहीं फूलों के बाग में फूल बींद रहा होगा। बुरा ना मानिए, सारे एक जैसे नहीं होते। कंप्यूटर साइंस में हमारे जो बच्चे जाते हैं वो बाहर के देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो नहीं कंप्यूटर साइंस जानते, इतने पढ़े लिखे नहीं, चले जाते हैं जैसे तैसे करके, तो वहां दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। बल्कि 2-4 सज्जनों ने तो हमें कोट पैंट ऐसे पहना हुआ, और हमने कहा बेटा क्या हाल है, कहते गुरु जी देखो बाहर से आए। हमने सच बताओ, कहले गुरु जी घर में किसी को नहीं बताया हुआ, क्या करते हो, कहेंगे हम वहां सीवरेज साफ करते हैं। हमने कहा क्यों, कहते सबसे ज्यादा पैसा है ही उसी में, वहां का कोई लोग हाथ नहीं लगाता और हम थोड़ी देर में करके साफ, नोट ही नोट है। तो शायद आप ये काम करना चाहोगे अपने घर में या कहीं, शायद जल्दी से तो नहीं, मजबूरी सब कुछ करवा देती है। बड़े बड़े घरों से गए हुए बच्चे वो बता रहे थे हमें ये बात। तो ये हम नहीं कहते कि बाहर नहीं जाना चाहिए, चिड़िया उड़ती है घोंसला छोड़ के तो पता नहीं कितना अंजल ले आती है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे जैसी संस्कृति दुनिया में दूसरी कहीं से नहीं मिलेगी, यह मर्जी ढूंढ लो। बच्चे जब हम सब लोग छोटे होते हैं, चारपाई पे टॉयलेट कर दिया, पेशाब कर दिया, वो गिल्ली हो गई, और मां उठती है गिल्ली जगह साफ करके खुद लेट जाती है और सूखी जगह अपने औलाद को लेटाती है। और जब मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं
तो बच्चे मां बाप का सहारा बनते हैं, उनका साथ देते हैं। क्या ऐसी चीज दुनिया में और किधर है? कई जगहों पे तो जन्म देती दूसरे कमरे में फटाक, दूध भी और ही चलता है। अपने तो इधर कहते तूने मां का दूध पिया तो निकल, उधर तो बोतल का ही पिया उधर निकलेगा क्या? कहावत है अपने अपने देश की, अपने अपने तरीके से ली जाती है। सो संस्कृति पे गर्व किया करो, ये मत सोचा करो कि आप पिछड़े हो। जी नहीं, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था भारत। यहां का एक रुपया के बराबर कई बार डॉलर ज्यादा हुआ करते थे, कोई ऐसा भी टाइम था। तो उसी तरह आज भी अगर आप मेहनत करें, भक्ति इबादत करें, बुराइयां छोड़ दें, तो यकीनन यकीनन आज फिर से आप समाज को, पूरे संसार को रास्ता दिखाने के लायक बन सकते हो। हमारा देश कभी दुनिया का गुरु देश कहलाता था, इतना ज्ञान है इस देश में, पर देशवासी कई बार उसका फायदा नहीं उठा पाते। कुछ देर भक्ति करने से, कुछ देर ईश्वर का नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म मिट जाया करते हैं। इसलिए भक्ति किया करो और अपना काम खुद किया करो। कभी भी किसी से कार्य यहां तक संभव हो मत करवाओ। ईश्वर ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं कर्म करने के लिए। कईयों का बस चले तो दूसरा उसकी जगह टॉयलेट जाए, चारपाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, यार तू ही जाया। पर ईश्वर ने ऐसा बनाया नहीं सिस्टम, सच में ऐसा होता अदरवाइज ये तो कुदरत का कमाल है कि आपको ही जाना पड़ेगा, जोर लगाना ही पड़ेगा। तो हैरानी होती हमें देख के आजकल इन चीजों से कि यार अपना काम खुद नहीं करना क्यों, इसमें शर्म की क्या बात है? गांव में देखो आप, अब तो खैर माहौल बदल गया है, 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती है मां, पालती पोसती है बेचारी, और मर्द कहता है मैं गोद भी नहीं उठाऊंगा, क्यों, मेरी मर्दानगी नीचे हो जाएगी। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे, तुझे कुछ तो हिस्सा बटाना चाहिए। वो बेचारी 9 महीने कष्ट झेल के, और नाम तेरा पड़ेगा बच्चे का, और तू बच्चा नहीं उठाना चाहता। कई जगह देखा हमने बेचारी के थैला टंगा होता है, इधर थैला, हाथ में बच्चा, और महाशय जी फोन पे टुक 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 करते जा रहे हैं। ये मर्द है या ना मर्द, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ तो धर्म कहते हैं अर्धांगनी की बराबर का हक है, और एक तरफ अपने आप को आप मर्द कहलाते हो, क्यों? क्योंकि आप कहीं बच्चा उठा लिया, कोई ये ना कह दे तो गुलाम है। कमाल की बात है, ये कोई मर्दानगी नहीं। ये हमें लगता है सबसे बड़ी कमी ये है समाज में, नहीं ऐसा होना चाहिए। आप कम से कम उनका हक तो दो, वो बेचारी ने 9 महीने पाला पोसा, कितनी तकलीफ झेली है, तो अगर आप उठा के थोड़ा उसको ले जा रहे हो या चुप करवा रहे हो तो इसमें शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। असली मर्द होते ही वो हैं। तो ये है हमारी संस्कृति, ये सिखाती है हमें। ये नहीं सिखाती कि किसी पे जुल्मी करते चले जाओ, किसी को पैर की जुत्ती बना लो, ये नहीं कहती। बल्कि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया है। आपने अनुभव किया हुआ, हमने किया है। जिनके बेटियां हैं आप यहां बैठे हो, छोटी होगी बेटी लेकिन मां का काम जरूर करेगी। पापा आपके ये कपड़े में बटन नहीं खुला हुआ है, आप ये खाना खा लो, आप वो खा लो, आप नहा लो, आप ये कर लो, बाहों का स्टाइल ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, होता है ना? आपने महसूस किया होगा। जी हाथ खड़े हो रहे हैं तो पता ही है आपको, सभी के हाथ खड़े हैं लगभग। जी हाथ नीचे कर लें तो होता है। इसलिए पवित्र वेदों में बेटी को मां का दर्जा शुरू से दिया, माई शुरू से, पहले वो मां बाप की मां, फिर शादी हो जाती है, पति की पत्नी तो है लेकिन एक मां वाला काम भी करती है। अजी आप इस टाइम मत जाइए, इस टाइम ये रुमाल ले जाइए, भागते आप जाते खाना तो जरूर खा जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, यानी वो अपना दर्जा छोड़ती नहीं, वो काम करती रहती है।
और बच्चे जब होते हैं उसके लिए तो फिर वो कुर्बान हो जाती है, उसकी मां तो है ही है। तो आप उसको पैरों की जुत्ती बनाते हो, ये मर्दानगी? कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। चाहे दोस्त मित्र कैसे भी कहें, हो सकता है उनके दिमाग में कमजोरी हो, वो खुद ऐसा हो सकते हैं, लेकिन आप एक उदाहरण बनिए कि नहीं भाई, और उनको जवाब दीजिए प्यार से कि ऐसा है, हम अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो इसमें गलती क्या है। तो हमारी संस्कृति में बहुत कुछ छुपा हुआ है लेकिन देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यही वजह है कि आज वो देश जो पूरी दुनिया का गुरु देश कहलाता है, वहां के लोग टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। अरे वे प्रोटीन जो अभी आया है, शायद आपको पता ना हो, दूध बिलोते हैं पुराने टाइम में, मक्खन निकाल लिया, छाछ जो बचती है उसमें कहा करते छिड्डी सी आती है, असल में वे प्रोटीन होता ही वो, उसमें प्रोटीन का खजाना होता है। राजस्थान में वो लस्सी आज भी पी जाती है और वहां गांव के गांव में डॉक्टर नहीं, आरएमपी भी नहीं है, क्योंकि इतनी प्रोटीन डाइट और उनकी हाइट और उनकी बॉडी, ये आज भी कई गांव में ज्यों के त्यों है। तो बच्चों जो कहते ना यार लस्सी का क्या पीना, छाछ में इतने गुण हैं, लेकिन बस कई हो जाता है ठंडा ज्यादा पी लिया तो नजला वगैरह जुकाम हो जाना, ये तो आपकी कमी है, उसको रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल पीजिए तो वो बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदा भरा पड़ा है इन चीजों से, हमारे घरों में खजाना है खजाना, लेकिन जब मार का दूसरा लग के आता है तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। चक्कर ये है, कपड़े चाहे प्याज के कट्टे के क्यों ना बने हो, पर मेड इन इटली हो, मेड इन जापान पहनोगे गर्भ से, चाहे ऐसे करते ही फट जाए कोई बात नहीं, ये मनोदशा होगी इंसान की। तो फिर आते हैं राम नाम पे, ये तो हम आपको संस्कृति की बात सुना रहे थे, जिस देश में रहते हैं उस देश की चर्चा कर रहे थे। राम नाम सुखों की खान है, कोई भी पढ़े लिखे सज्जन नौजवान बुजुर्गवार माता बहने यह जानते होंगे, जो हौसला हार जाता है वो जीती बाजी भी हार जाता है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो हारी बाजी जीत जाया करते हैं। और ये हौसला बुलंद कहां से होगा, क्योंकि हौसले की दवाई तो मिलती नहीं कहीं भी जाओ, क्या आत्मबल का टॉनिक है किसी के पास? झूठ मूठ तो चाहे लिख दे, किसी के पास नहीं है, क्योंकि आत्मबल सबके अंदर है, आपके हमारे सबके अंदर है। और आत्मबल को पैदा करने के लिए एक ही तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम, सुमरन, और कोई तरीका नहीं। और हमने ये देखा है ईश्वर का नाम जपने से इतना आत्मबल बढ़ता है कि चौथे स्टेज के कैंसर को भी लोगों ने हरा दिया, ये हमने अपनी आंखों से देखा, प्रूफ है उनके, डॉक्टर साहबान मानते हैं, लेकिन भक्ति तो करनी पड़ती है ना, उसके बिना तो कुछ हासिल नहीं होता। आजकल बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं, यार सीधा कुछ दे दो, भगवान जी से बात हो जाए, बात ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप तो ऐसे चाहते हो कि फर्स्ट क्लास में ही आपको एमए की डिग्री मिल जाए और झट से जाके कहीं पीएचडी करके और आप नौकरी लग जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसके लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसी तरह भक्ति करनी पड़ती है, पहले मेहनत फल बाद में मिलता है, उसी तरह पहले भक्ति भगवान बाद में मिलता है, यह सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। ईश्वर के नाम पे पैसा लेने वाला पखंडी हो सकता है, ढोंगी हो सकता है, फकीर नहीं हो सकता। हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं सभी धर्मों के, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मालिक पैसे से मिलता है। अगर वो पैसे से नहीं मिलता तो फिर संत पैसा लेते क्यों है? या आपने कभी देखा जो आपने पैसा दिया उसको भगवान ने ले लिया हो? आप प्रसाद एक पीस रखते हो, भगवान को खाते देखा कभी? नहीं देखा ना जी, या तो कीट पतंगा खा जाएगा या वहां रहने वाला बाद में उठा लेगा। तो हकीकत यह है
जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है उसे हम क्या दे सकते हैं? अगर वो बर्फी से खुश होता है, नारियल से खुश होता है, तो हमारे एक दो नारियल पे क्यों आएगा? नारियल की दुकान जहां है वहां ना बैठा रहेगा ईश्वर, कि यहां तो खजाना पड़ा भाई, और हलवाई के पास ना बैठ जाएगा जो रोज बर्फी बनाता है, फ्रेश फ्रेश खाएगा, आपका क्या पता बासी चढ़ा दो। तो कभी सोचा करो, लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना मत बनाओ ईश्वर को। बच्चे से काम लेते हैं ना, छोटे बच्चे से, आप भी लेते होंगे कभी कभार, ऐसा होता होगा, बेटा तुझे चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, गांव में चलता गुड़ की डली, थोड़ा गुड़ खिलाऊंगा, चीनी दूंगा, या ऐसा जो भी चलता है, जैसा भी होता है। तो क्या ईश्वर को आप ऐसा नहीं कहते, मेरी नौकरी लगवा दे, सवा का पक्का तेरे को चढ़ाऊंगा। सोचो, उधर बच्चा उधर भगवान, होगी ना बराबर। मुझे 10 लाख की फायदा कर दे, मैं तुझे 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे तुझे 10 लाख देने वाला 125 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता, कभी सोचा है? तेरे नौकरी लगा देगा और तेरे 125 का भूखा है वो, कमाल है। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है। अरे ईश्वर से मांगना जायज है, लेकिन देंगे क्या? अगर देना चाहते हो तो ईश्वर जरूर लेगा, और वो है आपके बुरे कर्म, कि ईश्वर मेरे पास मेरी जो बुराइयां हैं वो तू ले ले, ताकि मेरे पाप खत्म हो जाएं, वो जरूर कबूल मंजूर करेगा और बदले में खुशियों से लवरेज कर देगा। और हम क्या दे सकते हैं उसे? सब कुछ उसी का देना है, खरीदी बुराइयां आपने हैं, वो है आपके पास नजर आना, और है ना ईश्वर कमाल का, वो ये लेके और खुशियों का खजाना सौंप देता है। तो यही सच्चाई है, कोई माने चाहे ना माने। आप 5 मिनट कभी एकांत में बैठ के अपने बारे में सोचा करो, रोजाना 5 मिनट निकालो, सिर्फ 5, कि मेरे में क्या गुण है और क्या अवगुण है। गुण पे इतराओ मत, अवगुणों पे रो मत, ईश्वर की भक्ति करके रोजाना एक अवगुण छोड़ो, कि हे राम मैं ये तेरे को समर्पित करता हूं, आगे से मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। और यकीन मानिए, ऐसा करते करते जैसे जैसे आपके अवगुण खत्म होंगे, ईश्वर की प्राप्ति के आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। उसको कपड़ों से नहीं रिझा सकते, उसको पैसों से नहीं रिझा सकते, किसी भी चीज से आप उसे प्रभावित नहीं कर सकते। वो खुश होता है, उसके बंदों का फायदा करो, उसकी अंधे को सड़क पार करवा दी, किसी बीमार का इलाज करवा दिया, भूखे को खाना खिला दिया। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक हाजी था, हज पे जाया करता था, और उसके अंदर यह था कि मैंने इस बार सबसे पहले हज करना है। एक रात का रास्ता था, वो चल पड़ा, दोपहरी को चला कि 1-2 बजे मैं ही पहुंचूंगा सबसे पहले, हज वाले दिन। वो चला चला चला, एक जगह पहुंचा, रात हो आई, अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आई। कराह रहा था कुत्ता, दर्द से चिल्ला रहा था। फकीर ने ध्यान से सुना, जिधर से आवाज आ रही थी वहां पहुंचा, तो क्या देखा, वहां से कोई बैलगाड़ी गुजरी होगी या घोड़ा गाड़ी गुजरी होगी, और बाई चांस कुत्ता उसके नीचे आ गया, और वो जख्मी हो पड़ा, खून बह रहा है। फकीर से रहा नहीं गया, उसने अपनी गोद में उठा लिया। कहते हैं जब हाजी हज करने जाते हैं, छोटा सा धब्बा भी कपड़ों पर नहीं रहने देते, पर उसने तो गोद उठा लिया, खून लग गया। उसने कोई परवाह नहीं की, सोचा भी नहीं, उसने देखा इधर उधर, तो पास में कुआं था, भाग के वहां गया। मुसाफा बड़ी पगड़ी पहना करते थे, बड़ी सी, तो वो उसने पानी में नीचे लटकाई, पानी तक नहीं पहुंची। उसने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं मिला, बंजर बियाबान, पानी जरूर है, कुत्ता रो रहा है, कराह रहा है। उसने अपना कुर्ता उतारा, यानी पजामा उतारा, नारा अलग खोला, सब कुछ बिल्कुल नग्न हो गया,
तो पानी तक पहुंच गया कपड़ा, पानी में भिगोया, बाहर निकाला, उसके मुंह में निचोड़ा, कुत्ता शांत हो गया। जो चिल्ला रहा था, कर्रा रहा था, तो उसने गोद में उसको पुचकारा, बहलाया, तो वो प्यार में ही दम तोड़ गया, क्योंकि वो तो मरने वाला था, लेकिन आखिरी समय में वो शांत खुश होके गया। अब फकीर ने अपनी तरफ निगाह मारी, कपड़े फट गए हैं, खून से लथपथ हैं। कहने लगा, मेरे मालिक, हे हज वाले, तू यही मंजूर करना। और वहीं वो लेट गया। अभी लेटा ही था, अचानक ही प्रकाश का पुंज आया, आवाज आई, हे फकीर, तेरा हज सच में और सबसे पहले मैं कबूल करता हूं, मंजूर करता हूं। जिसके दिल में मेरी औलाद के लिए इतना दर्द है, उसका हज घर बैठे हो जाता है। तो भाई, ये है इंसानियत, ये है मानवता। पर लोग क्या देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, धीरे से देखा, अपना तो नहीं कोई, और एक्सीलेटर दबा देते और भाग जाते हैं। ये क्या इंसानियत है? इससे तो पशु अच्छे हैं। पशु झुंड में किसी के चोट लग जाए, छोड़ के नहीं भागते, अपनी जीभ से लिपा पोती करते, उनका उपचार करते, हमने देखा है। तो इंसान इंसानियत ना छोड़े, राम का नाम जपता रहे, तो यकीनन उसके अंदर बाहर खुशियों से वो आनंद आएगा, वो लज्जत आएगी, जो अरबों रुपए से भी एक पल की खरीदी नहीं जा सकती। तो आपकी शरद पर्चियां, आपके लेटर आए हैं, ये भी सत्संग है। सत्संग के दरमियान हम इसी का भी जिक्र करते हैं। आपका सवाल वही है तो जवाब भी वही है। हाँ जी, पढ़िए। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, रेणु इंसान। प्यारे पिताजी, जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, हमारा कॉन्फिडेंस एक पल भी डाउन ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सुमरन और सेवा। सिमरन इंसान। प्यारे पिताजी, सेवा, सिमरन, संचित क्रम और दृढ़ विश्वास, इन चारों में से क्या चीज रूहानियत की तरफ खुशी पाने के लिए सबसे अहम किरदार निभाती है? सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दृढ़ यकीन होगा तो सुमरन कर पाएंगे, और सुमरन करेंगे तो मालिक खुश होगा। सेवा से मन रुकता है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। रविंद्र कुमार, पूजा गुरु जी, सूक्ष्म लोक व कारण में कौन सी रूहें होती है, वह उनको वो लोक क्यों मिलते हैं? सूक्ष्म लोक जो है वो इसलिए कि आत्माओं को जो सजा दी जाती है, और कारण लोक देवी देवताओं का शरीर जो छोटा बड़ा किया जा सकता है, सृष्टि का संचालन करने के लिए ईश्वर ने ये सारे लोक बनाए हैं। तनु इंसान सरसा, पूजा जी, रूहानियत की हर एक खुशी पाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? सेवा और सुमरन। मानवता की भलाई कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, और समय निकाल के सुमरन कर्तव्य निर्वाह कीजिए, यह बहुत जरूरी है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, पूजा गुरु जी, मुझे पत्रकारिता में कई बार अपनी आपकी अच्छी न्यूज बनाने से रोका जाता है, पर मैं डरता नहीं, फिर भी आपकी अच्छी खबरें मीडिया में चला देता हूं जी। जब कर्म ही अच्छा करते हैं बेटा, तो आप अच्छा सच लिखते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईश्वर आपको और शक्ति दे और हिम्मत दे, ताकि समाज का भला कर सको। नीरज इंसान, पूजा गुरु जी, आप जी के सामने चाइनीज सामान न बेचने का प्रण किया था, अब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के अंदर चाइनीज पार्ट्स आते हैं जी, उनका कैसे करें? अब अगर सरकार की तरफ से ऐसी चीजें आने लगी हैं, या वो गवर्नमेंट उनको ऐसे कर रही है, तो हमें लगता है फिर आप वो चीज कर सकते हैं। राजकुमार, पूजा गुरु जी, जब जीव नाम लेता है तो उसमें उसके कौन से कर्म करते हैं, संचित कर्म करते हैं या कोई और? संचित कर्म भी करते हैं, इस जन्म के कर्म करते हैं मुख्यतः। रवि कुमार, पूजा गुरु जी, सचखंड, अलख, अगम, अनामी, इनमें क्या अंतर है जी? जो जो इंसान सुमरण करता है, सेवा करता है, त्यों त्यों वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, और वहां परमानंद की प्राप्ति कई गुणा ज्यादा होती है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के होती है, और बेइंतहा खुशियां होती हैं। ईश्वर के स्वरूप भी वहां अलग अलग होते हैं। गोविंद इंसान, पूजा जी, कुछ बातें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकती हैं, आप जी के जैसे कितने लाख, आप जी ने कितने लाख किलोमीटर जीवो उद्धार यात्रा की, और कितने समागम सत्संग किए, और कितने करोड़ लोगों को नशा मुक्त किया, ये सब चीजें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकती हैं जी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जाने भाई, अपना काम है समाज का भला करना, वो लगातार करते जा रहे हैं। जो जो यूथ, नौजवान, बच्चे, सारे बुजुर्ग मिलके कार्य करते हैं, रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते हैं। ब्लॉक बठिंडा से, पूजा जी, बठिंडा ब्लॉक के सरदार ने एक मंद बुद्धि व्यक्ति जिसके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, 10 दिन से उसका इलाज करवाया जा रहा है आपकी रहमत से, वो सही पता बताने में असमर्थ है, हम क्या करें जी? आप सुमन करके उसे खाना दीजिए, उनका
जो आप इलाज करवा रहे हो, सेवा करवा रहे हो, शाबाश, ऐसे ही करते रहिए। और बहुत बढ़िया बात है, पूरे देश में यह लहर चला रखी है साध संगत ने, नौजवानों ने। कहीं भी कोई मंदबुद्धि मिलता है उसको ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, और जब वो पता बताते हैं उसके घर पहुंचाते हैं। यह अपने आप में बहुत बहुत बड़ी सेवा है, भगवान बहुत खुशियां दे, प्रसाद ले जाना। प्रियंका इंसान हिमाचल प्रदेश से। प्यारे पिताजी, आपने जज्बाई सौदा रूबरू नाइट में नोबर नो तेल और शैम्पू के बारे में वचन किए थे, वो लगाने के बाद मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए हैं और लंबे भी हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल सच है। आपको यही हकीकत बताते हैं, हम भी कई बार लगाते हैं, बच्चे कई बार लगाते हैं तो बताते हैं, पापा स्पा जैसी फीलिंग आती है। अगर आप 2 घंटे लगा के तेल को और उसी से शैम्पू करते हैं तो ऐसा लगता है स्पा करा लिया हो। तो ये हकीकत है, हम भी ऐसा करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर आप लोग इसे इस्तेमाल करके देखें। हमने यही रिजल्ट देखा है इसका, क्योंकि ये आयुर्वेदा से बनाई गई चीजें हैं प्योर, तो अगर वो प्योर रखेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आता ही रहेगा। सोनिया रोहतक से। प्यारे जट्टू इंजीनियर, कॉमेडी मूवी का सबको बेसब्री से इंतजार है, ये मूवी का ट्रेलर कब लॉन्च होगा जी? मूवी की डेट भी जल्दी आपको पता चल जाएगी, ट्वीट पे ध्यान रखिएगा, और ट्रेलर जो है वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। और ये एक ऐसी स्वस्थ कॉमेडी है जो अपने आप में बेमिसाल है। तो आप देखोगे इसमें गांव के लोग आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, वो भी साथ साथ में कॉमेडी के साथ साथ, वो बहुत सारी चीजें हैं कि पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है, छोटी मंडी अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकती है। कोशिश की है कि लोग समझे, अब देखते हैं इसका असर कितना होता, वो तो राम जाने और आप लोग जब देखेंगे तब पता चलेगा। पर है बहुत लाजवाब, क्योंकि जितना उस कॉमेडी फिल्म में हम एक्टिंग कर रहे थे या जो भी सब लोग, तो कई बार ऐसा दृश्य होता था कि हंसी पे कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता था, काफी देर शूटिंग रुक जाती थी, हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाते थे, कैमरामैन तक छोड़ के भाग जाते थे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो अब आप देखते हैं वो खुशी आपको कितनी दे पाएगी, ये समय बताएगा। इन्हीं का अगला सवाल है प्रजप्त जी, द बर्थ मूवी जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी? हाँ, बहुत बड़ी फिल्म है, वो धर्मों पर बेस्ड है कि ये दुनिया बनी कैसे थी, जो ईश्वर ने हमें दिया दिखाया वो हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, पवित्र वेदों से या जो शास्त्र नाम श्याम स्थान जी दादा ने रहमो कर्म किया, पवित्र गुरुबाणी, पवित्र बाइबल, सभी धर्मों को हमने पढ़ा और वो 100% सच है, वो दिखाने उसमें हम चाहते हैं कि कैसे दुनिया बनी थी, क्या था सबसे पहले इस दुनिया में और कैसे सब कुछ पैदा हुआ, ये हम एक वो उस फिल्म में दिखाना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। हजारों फुट के आदमी होंगे जो शुरू में पैदा हुए, कितनी उनमें अकल थी, क्या सोच थी उनकी, कैसी उनमें फिर आगे से आगे प्रजातियां बढ़ती गई, तो वो चीजें लेके आएंगे। प्रोजेक्ट जी, नछत्तर सिंह, रामस्वरूप गुरसेवक, अमरीक सिंह, रघुवीर सिंह, ये पटियाला से यहाँ चचिया नगरी में सत्संग के लिए आ रहे थे, रास्ते में इनको सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा मिला, स्कूटर पर वो लड़का सवार था और उसे देखकर सभी जा रहे थे, कोई उससे उठा नहीं रहा था, हमने आप जी की प्रेरणा से उसे अस्पताल में पहुंचाया, वह यहाँ हिमाचल का ही था, धर्मशाला का रहने वाला था और आप जी के रहमत से उसकी जान बच गई थी। वाह, कहाँ है वो बच्चे जिन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, अगर खड़े हो जाएं, हाथ खड़ा करें, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, इंसान की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सो मालिक बहुत खुशियां दे, प्रसाद ले लेना, और पत्रकार समाज आए तो जरूर ऐसी खबर दिया करे ताकि लोगों में उत्साह जागे और कोई एक्सीडेंट के कारण ऐसे ही तड़फता ना रह जाए। प्रसाद दीजिएगा, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना बेटा, शाबाश। आंचल इंसान, जम्मू खोड़ से। पूज्यता जी, जम्मू में नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं और आप वहां पर सत्संग भी करें जी। वो एडम ब्लॉक वालों को आप मिल लेना बेटा, उनसे बात कर लेना। लिटिल रोजित से, रेनू इंसान। पूज्यता जी, MSG ऑयल और शैम्पू के पाउच भी आने चाहिए जी। वो तो MSG प्रोडक्ट वाले जाने भाई, यहाँ कोई ना कोई होंगे तो वो नोट कर लेना, अगर ये पॉसिबल है तो आप करना। और पूज्यता जी, आज सत्संग पर बाप बेटी की जोड़ी यानी पूज्य हजूर पिताजी और हनीप्रीत जी, साहबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसा ने नाम वाले जीओं के लिए 3 बसें और साहबजादी बहन चरणप्रीत जी इंसा, डॉक्टर शानी जी इंसा, वह परिवार ने नाम वाले जीओं के लिए 1 बस और साहबजादी बहन अमरप्रीत जी इंसा, रोहिमी जी इंसा, वह परिवार ने नाम वाले जीओं के लिए 1 बस और इसके अलावा गुरु ब्रह्मचारी सेवादार बहन
और सतब्रह्मचारी सेवादार बहनों ने भी नामवाले जीवों के लिए बस भेजी है जी, सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी जिन्होंने भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद की है, नाम वाले जीवों को बुराई छुड़वा के नाम राम नाम से जोड़ने के लिए लेके आए, सबके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे और बरकतें दे मालिक, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लीजिए। रामदास इंसान कारगिल से ये फौजी हैं। पूज्यता जी मैं आर्मी में हूँ, आपकी कृपा से मैंने आतंकवादियों को मार गिराया और उससे मुझे सेना मेडल और एक साल आपकी रहमत से LOC बॉर्डर कमांडेशन कार्ड मिला है। पूरे परिवार से आया हूँ आप जी के दर्शन करने के लिए, आप जी का आशीर्वाद चाहता हूँ जी। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत सबसे पहले सैल्यूट आपको, नौजवान शाबाश बेटा, साथ संगत जी तालियां तो ऐसे नौजवानों के लिए होनी चाहिए जो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए सारे समाज के भले के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी तरक्की करते रहो बेटा। मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, प्रसाद ले लेना, परिवार को भी देना बेटा। बहुत स्वागत आपका, बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशी दे, आशीर्वाद। लड्डू इंसान भंगीदास सैदी के मोहन से, पूज्यता जी सरकारी बारदाने का भरा हुआ ट्रक में आग लग गई थी, आप जी की रहमत से सेवादारों ने आग पर काबू पाया और लाखों का नुकसान होने से बच गया जी। शाबाश बेटा शाबाश, आप भी यहाँ भी हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, प्रसाद जरूर ले लीजिएगा, मालिक रहमो करम से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। महिला चौक जिला संगरूर में नाम चर्चा घर के लिए जमीन खरीदने और नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी। बिल्कुल आप एडम ब्लॉक में मिल लीजिए बेटा, सारे आए हो बहुत स्वागत, और प्रसाद ले लेना और एडम ब्लॉक में उनसे बात करके आप कर लेना बेटा आशीर्वाद, स्वागत आपका, प्रसाद ले लेना। बलविंदर सिंह इंसान धोला कुआं से, प्यारे जी मेरी शादी को 26 वर्ष हो चुके हैं, मेरे पास बच्चे नहीं थे, आप जी की रहमत से डेरा सच्चा सौदा सरसा के अस्पताल में मैंने इलाज करवाया और आप जी की दया में रहमत से 26 साल के बाद 11/9/2016 को एक बेटा और एक बेटी जुड़वा हुए, जो आप जी की रहमत से ही संभव हुआ है। सब भगवान की कृपा है बेटा, गुरु साहबानों के पवित्र पाक वचन है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो परमात्मा से राम से मांगता है और सच्ची मांग हो जाती है, भक्ति पूरी होती है तो मालिक पल में सुन लेते हैं। सो मालिक खुशियां दे, बच्चों को अच्छे नेक इंसान बनाना, आशीर्वाद। अवतार इंसान ब्लॉक चिका से, पूज्यता जी मैं और मेरी पत्नी ने पटियाला बस स्टैंड पर एक आदमी को दिल का दौरा पड़ गया था, कोई उसे उठा नहीं रहा था, हमने अपनी गाड़ी में बिठाया, उसे अस्पताल में दाखिल करवाया और उसकी जान बच गई। शाबाश बेटा शाबाश, कहां हैं आप, और बहुत आशीर्वाद आपको, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने, मालिक बहुत खुशियां दे, शासन ऐसे बढ़ चढ़ के जो कार्य कर रहे हो, मालिक भी बढ़ चढ़ के झोलियां भरते रहे आप लोगों की, प्रसाद ले लेना बेटा, सबको आशीर्वाद कहना, बहुत आशीर्वाद, शाबाश, मालिक खुशी दे। फौजी अजैब सिंह इंसान जम्मू कश्मीर से, मैं पूज्यता जी पूरे परिवार सहित आया हूँ, घर वाली को सिर में MRI में गांठ बताई गई थी, हिसार वाले डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला लेकिन अपने हॉस्पिटल में आप जी की रहमत से दवाई से ही ठीक हो रही है जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, और प्रसाद ले लेना, लगातार सुमन करते रहना, दवा लेते रहिए, मालिक रहमत करने वाला है, आशीर्वाद बेटा। सात संगत सोनीपत से, पूज्यता जी सोनीपत के जिम्मेवार व सात संगत क्रूजर गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी डेरे के मेन गेट से 200 गज पहले ही 5 फुट गहरी खाई में पलट गई, पूज्यता जी आप जी की ऐसी रहमत हुई कि गाड़ी को भी कुछ नहीं बिगड़ा और सभी सही सलामत हैं जी। जाको राखी साईया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी हुए, सो मालिक ने रक्षा की है बेटा, लेकिन पूरा ध्यान से पूरा संभाल के, क्यों हुआ ऐसा, क्या वजह थी, वो ध्यान दीजिए, मालिक कर्म काट देते हैं, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए पूरा सचेत होके आप गाड़ी चलाएं और गाड़ी का निरीक्षण वगैरह ध्यान से करके चला करें। विक्रम इंसान पटाड़ से, पूज्यता जी मुझे एक पर्स और 40,000 रुपए और एक मोबाइल फोन मिला, आप जी की प्रेरणा से उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बेटा, मालिक बहुत खुशी दे, आशीर्वाद, और प्रसाद ले लेना, बहुत बढ़िया बात। IP विंग से, पूज्यता जी हिंद का नापाक को जवाब मूवी आज अपने 66वें दिन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुकी है, देशभक्ति की मिसाल बन चुकी फिल्म सफलता के झंडे देश विदेश में गाड़ चुकी है, फिल्म आज भी हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली UP हैदराबाद मध्य प्रदेश में हाउसफुल चल रही है, इंटरनेट के साथ साथ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस मूवी ने देश के युवाओं में देशभक्ति की लहर को बहुत प्रबल किया है, तो वहीं दूसरी ओर मूवी टिकट बुकिंग वेबसाइट बुक माई शो पर डॉक्टर MSG की आने वाली कॉमेडी मूवी जट्टू इंजीनियर को 2,90,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, अब तो हर किसी को यही इंतजार है कि फिल्म की पहली झलक कब आएगी।
जी जी बिल्कुल, बहुत जल्दी आएगी और ये समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने उस फिल्म को सिरमाथे लिया है। और विदेशों में भी शो चल रहे हैं। कल भी हमारे पास एक ट्वीट आया था कि गुरुजी हमारे शायद ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में वो चल रहा था, ऐसे अलग अलग जगहों पे शो चल रहे हैं। तो और हमने ये देखा है नौजवानों के हाथों में तिरंगा। हम बहुत जगह गए, अभी जैसे आ रहे थे हिमाचल, हरियाणा में गए, फिर पंजाब में आए, पंजाब से फिर हिमाचल में आए, हमें एक भी जगह ऐसी नहीं मिली यहाँ नौजवानों के हाथ में तिरंगा ना हो। लहरा रहे थे, झूम रहे थे। आज भी एक नौजवान तिरंगा लाया है बहुत बड़ा, वो लहरा रहा था पहले जब, तो बड़ी खुशी हुई। पहले कहाँ दिखते थे ये तिरंगा, हमें नहीं दिखने में मिला, लेकिन आज जब हम वहां से चले, फिर शिमला से इधर को चले, हमने कहा अब तो हिमाचल है, यहाँ शायद नहीं, लेकिन देखा तो पूरे हिमाचल में हर किसी के हाथ में तिरंगा था, लहरा रहे थे। तो ऐसा देशभक्ति का जज्बा देख के बड़ी खुशी हुई। फिल्म बनाई इसलिए थी कि हमारे जो फौजी शूरवीर बहादुर हैं, योद्धा हैं, वो जो कमाल दिखाते हैं, असली रियल के हीरो तो वो हैं, हम तो एक एक्टिंग किया उनका, लेकिन उनके प्रति सम्मान, तिरंगा लहरा के उनको सैल्यूट करना, तो ये जगह जगह हो रहा है, तो बड़ी खुशी हुई। हाँ, बहुत ही आशीर्वाद। अब लाइव मैसेज है जी, सत्संग टोरंटो कनाडा से, पूजा पिताजी हिंद का नापा को जवाब मूवी की अपार सफलता हुआ, जामिन सा गुरु का महा हुआ, डेरा सच्चा सौदा की स्थापना महा की खुशी में टोरंटो कनाडा की सत्संग ने सफाई अभियान चलाया है जी, फोटो स्क्रीन पर है जी। जी तो बहुत आशीर्वाद आप लोगों ने वहां सफाई महाअभियान चलाया, जो बेमिसाल है, और जो आप सामान रखा है खाने का, प्रसाद बन गया, ले लेना, भगवान खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। ममता सोनी इंसान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, प्रेरिता जी नेगेटिव पावर काल एक सत्संगी को भक्ति मार्ग में कैसे परेशान करता है? बहुत तरीकों से है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये बाहरी तौर पे है। जब सुमन करके अंदर जाते हैं तो तरह तरह का भ्रमित करना, तरह तरह की आवाजें देना, और आपको अपने रास्ते दिखाने, महाकाल अपना रूप धारण करता है। लेकिन जो सच्चे गुरु का शिष्य होता है वो लगातार सुमन से जुड़ा रहता है, तो काल महाकाल उसका बाढ़ बांका नहीं कर सकते, वो चढ़ाई चढ़ के हटता है। आखिरी प्रति है जी, लाइव मैसेज सचिन हैदराबाद से, पूजा जी हैदराबाद में आश्रम की सेवा जोरों से चल रही है, और हैदराबाद सिटी में हिंद का नापा को जवाब मूवी भी चल रही है, सभी सेवादार सत्संग आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी बहुत बहुत आशीर्वाद उन सबको, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। विदेश जाने वाले हैं जी, कनाडा, ग्रीस और ओमान। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, चोला छोटा है, वो परिवार आए हैं, खड़े हो जाएं, दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं और शायद उनका नाम लिया हुआ था। सो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्योति धाम सचखंड सतलोक का नाम जरूर जाती है। दुख जरूर लगता है जब कोई यहां से चला जाता है, लेकिन मालिक का ये असूल आना जाना, जो लेके जाता है वो जख्म के मरहम भी जरूर देता है। सो मालिक आपको ताकत दे, प्रसाद ले लेना बेटा, उसके बाद बैठ जाना। प्रसाद लेने वाले सेवादार आईटी विंग के तीन बहनें खड़ी हो जाएं, सफाई के महाभियान के फार्म भरने वाले 15 भाई बहन खड़े हो जाओ। तो धन्य माँ और धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती हैं जो सेवा करके उन निभाते। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना बढ़ के खुशियां देते हैं। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद, बाद में प्रसाद ले लेना बेटा। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको प्रसाद देते हैं।
अगर बाहर से फायदा नहीं तो अपना यहाँ डॉक्टर साहबान है, यहाँ इलाज चेकअप वगैरह करवा दिए। आंखों के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, एक दूसरे एमडी डॉक्टर बहुत बड़े आए हुए हैं, बिल्कुल फ्री चेकअप है यहाँ, ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाता। गरीबों का इलाज तक यहाँ बिल्कुल फ्री होता है, वो आप लोग जानते हैं। तो वो यहाँ पे दवाई ले सकते हैं, पर जितनी बार दवाई लें सुमन करके लेनी है। हिंद का नापा को जवाब की अपार सफलता, रूहानी स्थापना माँ की खुशी में दिंदु के मध्य बैंक में 50 बहन भाई बैंक में खाते में भलाई फंड में पैसा जमा करवा चुके खड़े हो जाएं। सबके घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुने मन लगे, मालिक खुशियां बख्शे, बरकतें बख्शे, नारा लगा के सब लोग बैठ जाएं, आशीर्वाद। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, कैसा भी नशा आप लेते हैं तो 7 दिन के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लाखों करोड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं, लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत बिल्कुल नहीं करना। करने वाला मालिक आप यहां बाद में प्रसाद ले लीजिए। सास संगम में प्रसाद, पेन, शादी का कार्ड, हार, कपड़े, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह है, कुछ सामान भी लेके आए तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सारी सास संगत को अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो विवाह शादी वाले दो परिवार आए हैं जी, एक शादी रूबरू कार्यक्रम के तहत तय हुई है, दोनों परिवार जिंदगी के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। दोनों परिवार के 7 मेंबरों ने विवाह शादी की खुशी में मरणोपरांत शरीर दान का लिखित में प्रण किया, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आ जाए जी। हाँ आगे हो जाए बेटा। तो साज बजेंगे और आप नारा लगा के दिल जुर्माना डालें। हाँ जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं। मालिक से प्रार्थना करते हुए उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो अपनी अपनी जगह बैठ जाए बेटा। और आपने देखा कुछ ही सेकंड में 2 शादियां होगी और यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। हाँ खान पान वो तो मेहमान नवाजी हमारे असूल ही होते हैं, अदरवाइज कोई दहेज नहीं, कोई नशा नहीं करते कोई परिवार, और यहां से लाखों ऐसी हजारों शादियां हो चुकी हैं, आशीर्वाद। हिमाचल की सास संगत के पूरे ब्लॉक आए हुए हैं 100%, बहुत आशीर्वाद हिमाचल की सास संगत को, पूरा हिमाचल यहां आया है। 45 मेंबर भाई 4 नहीं आए, 45 मेंबर बहने 7 नहीं, बाकी सब आए हैं। तो सारी सास संगत कहीं ब्लॉक बनी था 85% भी आए हैं, बहुत बड़ी बात, 70-75%, 60%, तो सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। तो बात सत्संग की चल रही थी, संग का रंग लाजमी चढ़ता है, एक कहावत है जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे, उसे देखोगे कि जीत रहा है, खेलो चाहे ना खेलो ललक पैदा जरूर हो जाएगी, यार 3 ही पत्ते हैं, 5 ही पत्ते हैं, 7 ही पत्ते हैं, कर लेते हैं आप भी, एक ही चलेंगे बस, एक ही दांव, और एक दांव में थोड़े से बढ़ेंगे तो एक और लगा लेते हैं, क्या हर्ज है, करते करते आप जुआरी बन जाओगे। नशा करने वाला कभी यह नहीं कहता कि नशा में बुराई होती है, एक छोटी सी बात हंसने की बात है, वैसे सच्ची बात है। एक नौजवान अपने ताऊ के पास जाके बैठा, उसको नजला जुकाम हुआ था, कहने लगा ताऊ जुकाम हो गया क्या करूं, और उसका ताऊ नशेड़ी था, शराब पीता था रोज रज के, कहने लगा बेटा मार पै गए जुकाम उड़ जाएगा। कहते ताऊ कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो, शराब पीने से कभी जुकाम उड़ता है? कहता बेटा मेरी 200 एकड़ थी, 199 एकड़ उड़ गई, तेरा जुकाम नहीं उड़ेगा? तो ये मास्टर होते हैं, अपनी बात नीचे नहीं आने देते, कोई भी किसी का भी ले लो। कईयों से आप कहोगे ताऊ शराब छोड़ दे, नशे छोड़ दे, धर्मराज लेखा लेगा, कहता वो तो तेरे से लेखा लेगा, तूने पी की नहीं, मैंने तो बनाई थी। उल्टा सुनने को मिलता है, क्योंकि उन्हें छोड़ना नहीं होता दूसरे को, जो संग करता उसको बर्बाद करना होता है। तो इसलिए
संग सोहबत जरूर ध्यान में रखा करो। खास करके मां बाप से हाथ जोड़ के विनती है हमारी, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपका कितना भी बिजनेस हो, नौकरी हो, व्यापार हो, पर आप जरूर हमारी बात याद रखें, अपने बच्चों के लिए 24 घंटे में कम से कम घंटा दो घंटे जरूर दिया करो। और बच्चों के लिए राक्षस मम्मी पापा ना बनो, फ्रेंडली रहा करो, ऐसे हो जैसे बाप बेटे में मित्रता होती है, दोस्ती होती है, बेटी में, मां में, बाप में ऐसी एक दोस्ती, एक सहेली की तरह भी हो, ताकि कोई बेटी से जरा सा भी कुछ गलत हरकत करे वो आके आपको बताने में झिझके ना, डरे ना कि कहीं मेरा बाप मुझे पीटी ना दे, मां मार ही ना दे, तो कभी भी आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए ठीक है, यहां उनको समझाने की बात है, थोड़ा डांटने की बात है, वो अलग चीज है, लेकिन मित्रता संबंध जरूरी है आज के युग में, ताकि बच्चे आपसे बिल्कुल आराम से बात कर पाए, किसी गलत संग में ना पड़ जाए, यह भी ध्यान रखना आपका फर्ज है। कहीं आप अपनी नौकरी में, जवानी में, काम धंधे में लगे रहें और उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, और जब बच्चे बड़े हो जाएं, यार मेरे से प्यार क्यों नहीं करता, तूने किया था क्या, लेने के देने पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समय जरूर देना चाहिए। ये गुजारिश आप लोगों से, और अभी गुरु मंत्र दिया जाएगा, तो एक बार हम 5-7 मिनट के लिए उठ के जा रहे हैं, आगे यहाँ कनात लगाएंगे, कनात के इधर वाली साइड जो नए लोग आए हैं गुरु मंत्र लेना चाहते हैं वो बैठेंगे, उस साइड में जिन्होंने पहले यहां से गुरु मंत्र लिया है वो बैठेंगे, लंगर भोजन उनको पहले खिलाया जाएगा, और गुरु मंत्र वालों को पहले प्रसाद फिर लंगर भोजन दिया जाएगा, रूहानी जाम भी है जो पीना चाहेंगे, पर अभी आपने 1-2 मिनट बैठे रहना है, फिर जैसे सेवादार भाई बताएं वैसा अमल करना है जी, तो 1-2 मिनट बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई भी खड़ा न हो, प्रेम से बैठे रहें 1-2 मिनट के लिए। सर इसी प्रकार बैठे रहें अपनी अपनी जगह पर, सेवादार जल्दी से कनाते लगा दें बीच में, और जो गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं आप इसी प्रकार बैठे रहें, चंद मिनटों में ही वापस पूजा गुरु जी आपके